चेक करना है कि कहाँ पे एसी लगेगा, जगह है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है मेरा गाड़ी एक्स्ट्रा लॉन्ग है। नारियल पानी भी लोड होना चालू हो चुका है गाड़ी पे, इधर देखिए फाइनली एलसीडी खुल चुका है। स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू व्लॉग में। भाई सुबह का टाइम है, अपने गाड़ी में जा रहे हैं आज एसी लगवाने के लिए, क्योंकि गर्मी का सीजन आ चुका है आप लोगों को पता ही है। और पता करते हैं अपने गाड़ी में कितने रुपए में एसी लगेगा। तो अभी यहाँ से जाना पड़ेगा हम लोग को टोटल 10 किलोमीटर दूर। पोषण भी आ चुका है सुबह सुबह, इसको मैंने बुला लिया। क्या भाई गाड़ी में एसी लगना चाहिए कि नहीं बताओ? बिल्कुल लगना चाहिए, गर्मी का सीजन आ गया है तो काफी अच्छा रहेगा। और हाँ, इस बार जब नया ट्रिप हम लोग स्टार्ट करेंगे तो छोटा वाला भाई भी साथ मिलने वाला है, और एक सरप्राइज है जो कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए हम लेके आने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं आगे। अभी हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए, नदेसर हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस। यहाँ पे आंटी जी चाय बनाती हैं, तो चाय पीने के बाद फिर जाएंगे हम लोग जो काम है एसी वाला उसको कंप्लीट करवाएंगे। और ये है भाई नदेसर का पूरा लग्जरी एरिया, क्योंकि बगल में कैंटोनमेंट है, गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है, और ये जो लाइन है ना पूरा महंगा महंगा इधर होटल है। तो अभी हम अजान भैया के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन भाई साहब इतना मुसीबत में है फिर भी हमारी गाड़ी का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भाई धन्यवाद आपको, और जो आपके साथ हुआ यार उसके लिए बहुत बहुत दुख है हमें। तो क्या ही कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं लाइफ में, हो जाता है आगे पीछे। तो हमारे गाड़ी का अभी कैमरा हो गया ख़राब, तो अभी अजान भैया बना रहे हैं इसको, चेक कर रहे हैं क्या हुआ है। हाँ चेक करेंगे, अगर लीड ख़राब होगा तो लीड चेंज होगा, अगर आज मिलेगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर कल आना पड़ेगा इसके लिए हमें, देखते हैं अभी क्या होता है। तो फाइनली एलसीडी खुल चुका है, एक तार ज्वाइंट होगा, तो तार भाई खोला कि इसमें मतलब इसका क्या निकल गया था, लीड। तो भाई लीड निकल चुका था, इसी वजह से ये जो है अपना कैमरा काम नहीं कर रहा था। तो भाई कैमरा हो चुका है चालू, देख सकते हैं HD। अच्छा ये HD है क्या? क्या ये HD? अच्छा अच्छा, अब एकदम क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा, और पोषण पीछे से देख भी रहा है, तो एक्चुअली इसका लीड निकल गया था, इसके वजह से ये काम नहीं कर रहा था। तो धन्यवाद भैया आपने इसको बना दिया जल्दी जल्दी। भाई दीपू भाई की बात है तो क्यों नहीं किया जाएगा, चाहे कहीं भी रहे, फोन कर रहे थे लेकिन जाना था काम से, हमने पूरा कर दिया उनका भाई का, दीपू भाई का। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद दीपू भाई। ठीक ठीक ठीक। अभी हम लोग का कैमरे का काम हो चुका है, अभी हम और भाई निकल रहे हैं एसी का पता करने के लिए कहाँ पे और कितने में एसी लगेगा, क्योंकि पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जान भैया, निकलते हैं हम लोग। ओके भाई ठीक है। तो यहाँ पे आए थे एसी लगवाने के लिए, तो अभी वाला दुकान खुला नहीं है, तो कोई कैलाश एसी के नाम से है नदेसर में टीवी टावर के पास में, जहाँ से दूरदर्शन टीवी टावर है, तो हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो वाला दुकान खुला हो। तो एक अभी हम लोग को पता करना है कितने रुपए का लगेगा, तो अगर 20-25 हज़ार में लग जाएगा तो आज ही हम लोग लगवा लेंगे, अगर उससे ज़्यादा लगेगा तो फिर देखते हैं कब लगवाते हैं। पहले तो हम पता करते हैं क्या क्या प्रोसेसर है, माइलेज क्या देगा गाड़ी का लगवाने के बाद, इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, कच्चा माल या फिर कोई लोडिंग गाड़ी में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, गाड़ी खुल के भागेगा कि नहीं, ये सब चीज़ें पूछना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, पता है कहाँ पे? दूरदर्शन टावर के नीचे। भाई इतना बड़ा टावर है ना, ऐसे देखना पड़ता है। भाई दिखा दो यार तुम, ये देखो इतना बड़ा टावर है, दिखाई दे कैमरा बड़ा उठो, उल्टा करना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे भाई साहब बेच रहे हैं लाल वाला अमरूद। भैया ये लाल वाला अमरूद कहाँ गया मालिक? लाल वाला अमरूद कहाँ से आता है? कहाँ का है? रायपुर का है। चलो भाई ठीक है। तो भाई हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमको ऐसे ही काम करवाना था, लेकिन ये देखो इतना सारा गाड़ी खड़ा है, लेकिन अभी भैया का दुकान खुला नहीं है, पता चल रहा है कि आज दुकान नहीं खुलेगा कल खुलेगा। देख सकते हैं पीछे इतना सारा गाड़ी लगा हुआ है, लेकिन आज यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा, कि जो एसी लगाते हैं आज वो आए नहीं है, और यहाँ पे ये गाड़ी भाई साइड लगा रहा है, और यहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे भाई आज बंद रहता है, आज बंद रहता है, कल खुलेगा। तो आज यहाँ बंद रहता है, मालूम चला कि अब कल खुलेगा। एक दो जगह और हम लोग देखने वाले हैं जहाँ पे एसी का काम होता है, कहीं और चला जाए। हम तो सोच रहे हैं कहीं और नहीं चला जाए, एक बुकिंग है, बुकिंग को मार लेते हैं, आगे आगे वाले पता कर लेते हैं, ज्यादा खुलेगा। ठीक है ठीक है, पता करके फिर निकला जाए यहाँ से। इतना सारा यहाँ पे टूरिस्ट गाड़ी खड़ा है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट एरिया बहुत बड़ा है, क्योंकि ज्यादातर स्टार वाले होटल ये कैंटोनमेंट के अंदर ही है, 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार सब इधर ही है। ताज होटल बगल ही में है यहाँ पे, ताज होटल पहले तो अब ताज गणेश हो गया है, ताज गणेश हो गया है। हाँ, अब ताज प्रॉपर जो ताज होटल रहता है ना वो वाला नहीं रह गया है, अब ताज गणेश हो गया है। लगवाने के लिए ऐसे आए थे लेकिन आज दुकान ही खुला नहीं है, ये वाला दुकान भी यहाँ पे बंद था, तो क्या किया जाए, कल आ जाए, कल आ जाए या देखते हैं।
देखते हैं, अब तो कल बुकिंग है, शायद बुकिंग मिल जाए, निकल जाएंगे। तो एसी यहाँ पे लगेगा, मतलब यहाँ से तो निकलेगा, एयर वाला सिस्टम रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एक मिस्त्री ने बोला है कि ये जो पूरा है ना, ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। कंट्रोल बैठा है, कंट्रोल करने के लिए, एसी कंट्रोल करने के लिए पूरा चेंज करना पड़ेगा, तभी जो एसी का बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए जो बटन होता है वो यहीं लगेगा और एक इधर रहेगा, ताकि अपना दिमाग एकदम शांत रहे और गर्मी में हम लोग अच्छे से काम कर पाए। भाई ये नेक्स्ट डे है और कल आप लोगों ने देखा होगा हम गए थे एसी लगवाने के लिए, लेकिन भाई साहब मिस्त्री आया नहीं था, दुकान भी बंद था। तो आज है नेक्स्ट डे, आज हम जा रहे हैं और छोटाला भाई भी आ चुका है मेरे साथ में, पोषण अपने घर पे, उसको लेके फिर निकलते हैं, डायरेक्ट पहुंचते हैं एसी के दुकान पे, वहीं पे चल के बातचीत करते हैं आप लोगों से। पोषण को घर से लिया, उसके बाद फिर हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे जहाँ पे एसी लगवाना था। और यार ये गाड़ी ना यहाँ पे कम से कम लगता है 10 साल से खड़ा होगा। कौन सा गाड़ी है, गाड़ी कौन सा है पता नहीं है, तो लुक जबरदस्त है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने दुकान पे जहाँ पे एसी का बात करना है। भाई खुला है क्या हो रहा है हम लोग के साथ में समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आए थे तो अभी दुकान तो खुल चुका है, लेकिन एक्चुअली पूरा पार्ट ना यहाँ पे दिल्ली से आता है, तो भैया गए दिल्ली सामान लेने के लिए, यहाँ पे कोई है नहीं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे दुकान पे। तो अभी हम लोग दूसरे वाले गैरेज पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे जो गैरेज का ऑनर है वो भी कुछ देर में यहाँ पे आएंगे, उनसे पूरा बनवाएंगे हिसाब कि कितना रुपया लगेगा, उसके हिसाब से फिर अगर आज काम स्टार्ट होगा तो आज करवाएंगे या तो फिर कुछ दिन बाद, देखते हैं क्या होता है। पहले उनका वेट कर रहे हैं, फ़ोन कर दिया उनके वर्कर्स ने, तो अभी कुछ देर में भैया आते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेन रोड पे, थोड़ा सा चाय पानी करते हैं भाई। अभी हम लोगों ने चाय पी लिया है, चाय पीने के बाद वीडियो शूट हो रहा है। अभी पी रहा है भाई। हम लोग चाय पी के आ चुके हैं गैरेज पे, अभी भाई बोनट खोला जा रहा है, अभी चेक करना है कि कहाँ पे एसी लगेगा, जगह है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है मेरा गाड़ी एक्स्ट्रा लॉन्ग है, एक्स्ट्रा लॉन्ग होने की वजह से इसका स्पेस भी सामने का काफी कम है। तो अभी भैया चेक कर रहे हैं लग पाएगा कि नहीं। तो भाई इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा है हमारे गाड़ी में कि भैया बोल रहे हैं कि पूरा सामान नया लगाना पड़ेगा, मतलब नया तो लगेगा ही लगेगा। तो भैया आपका शुभ नाम बता दीजिए थोड़ा सा। चंदन सिंह। चंदन भैया हमारे हैं और पूरा एसी का काम इनके यहाँ होता है, और भी बहुत सारा काम होता है, एसी का ही नहीं, बड़ा बड़ा इनके पास वर्कशॉप है। तो भैया का कहना है कि 60,000 रुपये ऑलमोस्ट खर्चा आएगा ना भैया। 60,000 रुपये में क्या क्या चीज़ें होंगी थोड़ा सा बताइए भैया। कंप्रेसर लगेगा, कंडेंसर लगेगा, कूलिंग वाल लगेगा, पूरा कंप्लीट एसी। अच्छा अच्छा, और जो गर्म करने के लिए हीटर होता है वो भी लगेगा। वो उसका अलग से 5,000 रुपये बता रहे हैं ना, मतलब 60,000 में सब कुछ हो जाएगा ना। तो ऑलमोस्ट 60,000 रुपये इसमें खर्चा आने वाला है। अब भाई वीडियो को थोड़ा सा बंद करके भैया से पर्सनली कुछ बातें करते हैं और सब कुछ लिखवाते हैं, उसके बाद फिर आगे का बातें आप लोगों को बताएंगे। गाइस आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अपने गाड़ी में एसी जो लगने वाला है, और एसी लगवाने में टोटल कितना खर्चा आएगा वो आपको कल के ब्लॉग में बताएंगे। क्यों कल के ब्लॉग में बताएंगे, क्योंकि अभी तक हमें 60,000 से 65,000 और 55,000 के बीच में रेट पता चला है। तो भैया ने बोला है कि अच्छे से जोड़ के आपको हम शाम को कॉल करके बता देंगे कितना खर्चा आपका एसी लगाने में लगेगा। पूरा A to Z सामान इसमें नया लगेगा, पुराना सामान का यूज़ भैया नहीं करते हैं। और कैलाश भैया, मतलब इनका नाम तो आप लोगों को बता ही दिया था, दुकान का नाम कैलाश है, बहुत बड़ा बड़ा ये डील लेते हैं अपने दुकान पे। कोई नहीं, जैसा भी होता है आपको कल के ब्लॉग में बताएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं नारियल पानी खरीदने के लिए, दुकान पे नारियल पानी भी खत्म हो चुका है। तो हम लोग आ चुके हैं पहाड़िया मंडी के अंदर और अभी जा रहे हैं नारियल पानी खरीदने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारा गाड़ी भी लगा हुआ है, क्योंकि मंडी का समय है, इस समय सब बाहर से पार्टी आता है माल खरीदने के लिए। और ये देखो कितना भीड़ है मंडी में, पूरा गाड़ी गाड़ी नजर आएगा आपको इस टाइम पे। तो भाई इधर हमारे मिश्रा भैया मिल गए थे, तो मिश्रा भैया फोन कर दिए, इधर हमारे सूरज भैया, काफी दिनों बाद सूरज भैया से मिल रहे होंगे, उधर मिश्रा भैया, सब कोई अपना अपना गाड़ी छोड़ के बड़ा गाड़ी पे भाग रहे थे। भैया भी बड़ा गाड़ी चला रहे थे, क्या अभी अभी आ गए? छोटा गाड़ी चलाएंगे कि नहीं अभी? अरे अपनी गाड़ी है, फिर से चलाएंगे ना। हाँ अरे तो पता है आपका अपना गाड़ी है, इधर मिश्रा भैया क्या हाल चाल है भैया? ठीक है भैया, ठीक है, चलिए। अब आ चुके हैं हम लोग नारियल पानी के दुकान पे, तो ट्रक लगा हुआ है एक दो, उधर भी दो तीन गाड़ी और इधर भी एक गाड़ी और बगल में एक गाड़ी, मतलब भाई 6-7 गाड़ी टोटल नारियल पानी का लगा हुआ है। छोटा भाई भी यहाँ पे आ चुका पहले ही बात करने के लिए, तो देखते हैं क्या रेट का नारियल पानी मिल रहा है। दुकान के लिए लेना है 300-400 पीस। तो अभी अपना नारियल पानी भी लोड होना चालू हो चुका है गाड़ी पे, इधर देखिए ये भाई अपने दुकान के लिए ले रहे हैं, क्योंकि अब गर्मी की
आ चुका है और इधर हमारे एक सब्सक्राइबर, कैसे हो भाई? भाई अभी क्या लेके आए, नारियल पानी? मैं नारियल पानी भाई का गाड़ी बगल में इधर लगा है नारियल पानी का, ये भी नारियल पानी लेके आए हैं और इधर नारियल पानी लोड भी कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई आपका? महराज खान। महराज खान भाई हमारे हैं, चलिए। तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे अपना दुकान का जो माल है उसको खाली करेंगे, खाली करने के बाद फिर से हमको हाईवे पे जाना है, एक वीडियो शूट करना है। पहुंच चुके अपने दुकान पे, अभी जो नारियल पानी हम लेके आए थे पहाड़िया मंडी से खरीद के उसको अभी दुकान पे खाली करना है। और आजकल दुकान पे छोटा वाला भाई नहीं बैठ रहा है, ये मेरा भांजा है, भांजा बैठेगा और यही पूरा माल कटिंग कर रहा है इस समय। ये अपना ठेला यहाँ पे लगा हुआ है और इधर गोदाम भी है, पूरा माल अंदर ही रखना है ना? पूरा अंदर। चलो ठीक, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, प्यार मोहब्बत सपोर्ट ऐसे ही बना रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।